एटम एंड मॉलिक्यूल का न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल बताना है। इसमें पहला न्यूमेरिकल है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटक का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे वेट उसका वेट ग्राम में दिया है तो उसको हमें परसेंट में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो देखिए नमूने का भार दिया है, नमूने का भार दिया है 0.24 ग्राम, नमूने का भार दिया है 0.24 ग्राम, बोरान का भार दिया है 0.096 ग्राम, ऑक्सीजन का भार दिया है, ऑक्सीजन का भार 0.144 ग्राम। देखिए इसे प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में निकालना है। तो सबसे पहले बोरान का निकाल लेते हैं, बोरान का भार प्रतिशत में। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे बोरान का भार बटे नमूने का भार गुणे 100। तो बोरान का भार दिया है यहाँ पे 0.096 अपान नमूने का भार दिया है 0.24 × 100 या हो जाएगा 9.6 अपान 0.24। तो यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल को हटाने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं यार 9.6 × 100 बटा 0.24 × 100। अब ये हो जाएगा 960/24 जिसे कैंसिल करने पर आएगा 40%। तो बोरान का भार आया प्रतिशत में, बोरान का भार प्रतिशत में 40%। अब इसी तरीके से ऑक्सीजन का निकाल लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन का भार बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए प्रतिशत में बराबर ऑक्सीजन का भार 0.144 बटा नमूने का भार 0.24 × 100। ये हो जाएगा 14.4/0.24 या इसमें भी दशमलव को हटाने के लिए 100 का गुणा करेंगे गुणे 100/0.24 × 100। अब ये हो जाएगा 1440/24, 24×144, 24×0, 60%। तो यहाँ पे लिखेंगे O2 का भार प्रतिशत में 60%। तो इस तरीके से हम परसेंट में बदल लिए इसको, बोरान का भार 40% और O2 का भार ऑक्सीजन का भार 60%।
देखिए अगला सवाल है, इसमें 11 नंबर का सवाल देखिए, 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। तो इसमें एल्यूमिनियम आयन की संख्या पूछ रहा है, तो उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Al2O3 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, Al2O3 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे यहाँ पे, एल्यूमिनियम का होता है 27, एल्यूमिनियम का जो द्रव्यमान होता है वो 27, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना 27, और दो परमाणु है तो यहाँ पे 2×27 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, एक परमाणु का 16, तो तीन परमाणु हैं तो 3×16 तो हो जाएगा 27×54 प्लस 16×3 48, कुल मिला के 102 ग्राम। Al2O3 का मोलर द्रव्यमान पूरा आएगा कितना, 102 ग्राम। अब Al2O3 के एक मोल का द्रव्यमान 102 ग्राम आया। अब 102 ग्राम में Al2O3 के एक मोल का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 102 ग्राम। 102 ग्राम, अब 102 ग्राम Al2O3 में Al2O3 के अणुओं की, या यहाँ पे लिख लीजिए 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड 102 ग्राम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अणुओं की संख्या बराबर 6.022×10³23 अणु। तो 102 ग्राम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अणुओं की संख्या बराबर एवोगाड्रो संख्या, और एवोगाड्रो संख्या में अणुओं की संख्या या एवोगाड्रो संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 6.022×10³23। अब यहाँ पे एक मोल में जितने अणु होंगे वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होंगे, तो इतने अणु हो जाएंगे 102 ग्राम में या एक मोल में। यहाँ पे एक मोल भी इसे कह सकते हैं या 102 ग्राम भी कह सकते हैं। तो उसमें अणुओं की संख्या 6.022×10³23। अब एक ग्राम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अणुओं की संख्या, ऑक्साइड के अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 6.022×10³23/102। लेकिन पूछा कितने में है, 0.051 में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अणुओं की संख्या,
अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 6.022 × 10³ × 103 × 102 × 0.051। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं तो 6.022 × 10³ × 0.051/102 या हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 6.022 × 10³ × 0.051 × 1000/102 × 10³³। अब हो जाएगा यहाँ पे या 6.022 × 10³³ × 51/102। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो आएगा कितना, 6.022 × 10³³ यहाँ पर 10³ रहेगा। अभी इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये धन में है, प्लस में है, तो जब ऊपर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, −3/102 या यहाँ से लिख दे रहे हैं तो हो जाएगा ये यहाँ पे 2 होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3.2 से कैंसिल करेंगे इसे तो आ जाएगा 2 × 3 = 6.0, 2 × 2 = 2, 3.011 × अब ये 23 में से 3 घट जाएगा तो 10³ बचेगा, इतना हो गया। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक है जो कि संकेत में दिया भी है, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक है तो ये एक परमाणु का आया है, एक परमाणु में आयनों की संख्या 0.3011×10^20 एक परमाणु का आया है तो दो परमाणुओं का हो जाएगा, दो परमाणु वो में आयनों की संख्या बराबर 2×3011×10^20 या 6.022×10^20 आयन। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसके बाद ये छठवें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, तो एक का बता दे रहे हैं बाकी कर लीजिएगा। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए तो इरेज कर दे रहे हैं इसको, प्रश्न है निम्न पदार्थों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, तो पहला नंबर इसमें दिया है, दिया 5 है, पहला नंबर एथाइन दिया है, एथाइन या C2H2, तो सबसे पहले इसका हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, C2H2 का मोलर द्रव्यमान, C2H2 का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 12, कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12, तो एक परमाणु का, कार्बन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान 12, तो दो परमाणु का कितना हो जाएगा 2×12 प्लस
हाइड्रोजन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? एक। तो यहाँ पे परमाणु कितने हैं? दो। तो दो गुणे एक हो जाएगा, तो 12 दूना 24 प्लस 2 इकन्नम 2 हो जाएगा 26 ग्राम। तो यहाँ पे C2H2 का मोलर द्रव्यमान बराबर 26 ग्राम। देखिए इसका हो गया है। अब बाकी सल्फर का, फास्फोरस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक अम्ल का निकाल लीजिए। सातवां क्वेश्चन है इसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है एक मोल नाइट्रोजन परमाणु, या यहाँ पे तीसरा देख लीजिए सी वाला, 10 मोल सोडियम सल्फाइट या Na2SO3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Na2SO3 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पे Na2SO3 का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 23, सोडियम का 23 होता है, तो एक परमाणु का 23, तो दो परमाणु हैं तो 2 गुणे 23 प्लस सल्फर का होता है 32, एक ही परमाणु है तो 32 ही प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 परमाणु है 3 गुणे 16, तो हो जाएगा 23 दूना 46 प्लस 32 प्लस 16 3 48। तो यहाँ पे सबको ऐड कर देना, 6 2 8 8 16, 4 3 7 4 11 1 12, 126 ग्राम। ये एक मोल का आया है, एक मोल Na2SO3 का मोलर द्रव्यमान 126, तो पूछ कितने का रहा है? 10 मोल Na2SO3 का द्रव्यमान बराबर 10 गुणे 126 गुणे 10, तो हो जाएगा 1260 ग्राम। बाकी ए और बी का कर लीजिएगा, ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला है